1995 से लेके 2015 के बीच में दोस्तों देश भर में 3 लाख से भी ज्यादा फार्मर सुसाइड्स हुए हैं। बहुत से एक्टिविस्ट कहते हैं ये नंबर एक अंडर एस्टिमेट है, यानी इन 20 सालों में 3 लाख से भी कहीं ज्यादा फार्मर सुसाइड्स हुए हैं। और 2016 के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि हमारी सरकार ने फार्मर सुसाइड्स का डेटा ही रिलीज करना बंद कर दिया। ये देखिए, नो डेटा अवेलेबल फॉर फार्मर सुसाइड्स आफ्टर 2016 हमारी सरकार कहने लग रही है। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 200 से ज्यादा फार्मर्स ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं देश भर के। 29 नवंबर और 30 नवंबर को इन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी मार्च रखी है जिसका नाम है किसान मुक्ति मार्च। इसमें एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा किसान भाई हमारे दिल्ली में आके मार्च करेंगे, अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इनका स्लोगन रहेगा यहां पर दिल्ली चलो। हमारे देश भर के किसान क्यों इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, इनकी क्या डिमांड्स हैं और आप लोग किस तरह से इनकी मदद कर सकते हैं, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। आइए देखते हैं। भारत में ज्यादातर किसानों के पास जमीन काफी कम मात्रा में है और जो हमारी मॉनसून रेन्स हैं वो काफी अनसर्टन है। क्लाइमेट चेंज की वजह से वो और भी ज्यादा अनसर्टन और इररेगुलर हो गई है। यही वजह है कि भारत में खेती करना बहुत महंगा पड़ता है। आप जैसे कि जानते होंगे, अगर मॉनसून रेन्स अच्छी आई हैं तो अच्छी यील्ड आ जाती है फार्मर्स के पास, अगर एक साल मॉनसून अच्छा नहीं आया तो क्रॉप फेलियर हो जाता है। लेकिन आयरनी की बात यह है कि चाहे मॉनसून अच्छा हो या खराब, हमारे किसानों को दोनों टाइम नुकसान ही उठाना पड़ता है। इसका रीजन है सप्लाई डिमांड का इम्बैलेंस। इनकी प्रोडक्शन जब अच्छी होती है, आउटपुट अच्छा होता है, तो उन्हें अपनी फसल कम दाम पर बेचनी पड़ती है। इसका रीजन ये है कि सरकार नहीं चाहती कि महंगाई ज्यादा बढ़े, तो ये फसलों के दाम कम करने के लिए अपने स्टॉक्स को रिलीज कर देती है, जो इन्होंने फूड ग्रेन्स के स्टॉक रखे होते हैं, या फिर इंपोर्ट करने लग जाती है सरकार। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, 2017 में हमारे देश ने हाइएस्ट एवर प्रोडक्शन करी थी पल्सिस की, यानी दाल की। 22.95 मिलियन मेट्रिक टन हमने प्रोड्यूस किया था और ये इतना था कि हमारे पूरे देश की जरूरतें पूरी हो जाती इससे। फिर भी लेकिन हमारी सरकार ने 6.6 मिलियन मेट्रिक टन पल्सेस इंपोर्ट किए बाहर के देशों से, वो भी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी के साथ। इससे क्या हुआ, सप्लाई बढ़ गई पूरे देश में, प्राइजेस क्रैश कर गए और हमारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। ये सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर दिखाता है। इसके कई रीजंस ये भी बताए जाते हैं कि हमारे पास डोमेस्टिक स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी है और हमारा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं है। कुछ महीने पहले सरकार फाइनली जागी इसके रिगार्डिंग और इन्होंने इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी पल्सेस पर, तो जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट आ रहा है वो मुश्किल हो जाए और महंगा पड़ जाए और जो हमारे किसान हैं उनको अच्छा दाम मिल सके। तो ये एक अच्छा स्टेप लिया इन्होंने। पिछले महीने के प्रोटेस्ट में फार्मर्स ने डिमांड करी थी कि इंपोर्ट्स पर और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए, स्पेशली उन क्रॉप्स पर जो पहले से ही काफी प्रोड्यूस होने लग रहे हैं इंडिया में, तो ये डिमांड भी सरकार ने मान ली थी। फार्मर्स की एजिटेशन के पीछे एक और बहुत बड़ा रीजन है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी वो प्राइस जिस पे सरकार गारंटी देती है किसानों को कि अगर अपने किसान मार्केट में प्रोड्यूस को नहीं बेच पा रहे तो कम से कम इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे तो सरकार उनसे क्रॉप्स को खरीद ही लेगी। 26 अलग अलग क्रॉप्स के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड किया जाता है सरकार के द्वारा और ये हर साल चेंज होते रहता है। अब प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि पिछले कुछ सालों में एमएसपी का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत नीचे गिर गया है। एक रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा पब्लिश की गई रिसर्च रिपोर्ट ने बताया है कि 2009 से लेकर 2013 के बीच में जो एवरेज रेट था मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ने का वो 19.3% था, यानी साल दर साल एवरेज 19.3% से एमएसपी इंक्रीज होता था। लेकिन पिछले 3 सालों में 2014 से लेकर 2017 के बीच में ये रेट गिर कर सिर्फ 3.6% तक आ गया था। आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से ग्रोथ रेट नीचे गिरा है पिछले कुछ सालों में, जबकि पेट्रोल डीजल के प्राइसेस ऊपर गए हैं जो कि किसानों के लिए और भी महंगा पड़ जाता है। 2018 में दोस्तों फाइनली हमारी सरकार जागी, जिसके पीछे शायद रीजन ये था कि अगले साल इलेक्शंस होने वाले हैं और अभी इतने सारे स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं। जुलाई 2018 में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज किया मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। लेकिन इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग इंक्रीज में प्रॉब्लम क्या है, ये फिर भी काफी नहीं है। अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके पिछले 4 सालों के एवरेज के साथ कंबाइन करके देखोगे तो ये पिछले 4 सालों के एवरेज ग्रोथ को 5% तक ही ले जाता है, जो कि 19.3% से फिर भी बहुत ज्यादा कम है। एग्जाम्पल के तौर पे आप पैडी का ईयर ओवर ईयर एमएसपी ग्रोथ रेट देख लो। 2018 का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन 2009 से 13 के बीच में जो ग्रोथ रेट हुए थे उनका अभी भी कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। यही रीजन है कि स्वामीनाथन कहते हैं कि अभी भी जो एमएसपी इंक्रीज हुआ है ये रिकमेंडेड लिमिट के बिलो ही है और फार्मर्स अभी भी नाराज है।
अब आगे प्रॉब्लम क्या है कि सरकार सेट तो कर देती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन उसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाती। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट ने बताया कि पिछले 3 सालों में सिर्फ 10% या उससे कम किसान ही ऐसे हैं जो एक्चुअली मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे अपने सामान को बेच पा रहे हैं। बहुत से किसानों को 30-50% एमएसपी से कम प्राइस पर अपने प्रोड्यूस को बेचना पड़ा है मजबूरी में आकर, क्योंकि ऐसे बहुत से छोटे छोटे किसान हैं जिन तक गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट मैकेनिज्म ही नहीं पहुंच पाता, यानी जो गवर्नमेंट का तरीका है वहां उनके सामान को खरीदने का, उनके क्रॉप्स को खरीदने का। डीमोनिटाइजेशन एक और बहुत बड़ा रीजन है किसानों की बुरी हालत के पीछे। पिछले ही हफ्ते दोस्तों एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने एक नई रिपोर्ट निकाली थी जिसमें बताया था कि डीमोनिटाइजेशन की वजह से कैसे किसानों की और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की कमर टूट के रह गई। जिस टाइम पे नोटबंदी करी गई थी वो असल में सीजन था रबी क्रॉप्स को लगाने का और खरीफ क्रॉप्स को बेचने का, इन दोनों में ही कैश की बहुत जरूरत पड़ती थी और कैश की कमी की वजह से बहुत सारे किसान ये काम नहीं कर पाए। नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन 1.38 लाख क्विंटल वीट सीड्स को नहीं बेच पाई नोटबंदी की वजह से। अब वो अलग बात है कि सरकार इस रिपोर्ट को पढ़ के बड़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही है कि एक हफ्ते बाद ही दोस्तों सरकार ने यू टर्न मार लिया और कहती है कि रिपोर्ट फाइनल नहीं है, इस रिपोर्ट को वापस ले लिया, अब एक नई रिपोर्ट पब्लिश करेंगे जिसमें बताएंगे कि नोटबंदी से कितना फायदा हुआ है किसानों को। हमेशा की तरह जब भी कुछ अनकंफर्टेबल होता है तो सच को छुपाने के लिए, सच को दबाए रखने के लिए ये सब करते हैं ये। अब इन सब प्रॉब्लम्स का क्या सोल्यूशन है? जो किसान आज दिल्ली में किसान मुक्ति मार्च कर रहे हैं इनकी मेनली दो डिमांड्स हैं। पहली डिमांड है कि एक पार्लियामेंट का 21 दिन का स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दूसरी डिमांड है कि दो बिल पास कराए जाए। एक बिल का नाम है फार्मर्स फ्रीडम फ्रॉम इनडेटनेस बिल और दूसरे बिल का नाम है गारंटीड रेम्यूनरेटिव मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। जो 21 डेज का स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा इसके 3 दिन स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको डिस्कस किया जाए। आज से 12 साल पहले इस रिपोर्ट को निकाला गया था दोस्तों, इसमें फार्मर रिलेटेड क्राइसिस के बारे में बहुत से सॉल्यूशंस दिए गए हैं और 12 साल में एक भी बार पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन नहीं हुई है। 3 दिन तक किसानों की टेस्टिमनी सुनी जाए, जो किसानों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं उनको पार्लियामेंट में सुनाया जाए। 3 दिन तक हमारे देश में हो रही वाटर क्राइसिस पे डिस्कशन की जाए। 3 दिन तक डिस्कशन की जाए हमारे वुमेन्स फार्मर्स के राइट्स पे। 3 दिन राइट्स ऑफ लैंडलेस लेबरर्स पे डिस्कशन की जाए और 3 दिन एग्रीकल्चर के ऊपर डिबेट हो कि हमारे देश में फ्यूचर क्या है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। क्या फ्यूचर में कंपनीज इसे चलाएंगी, डोमिनेट करेंगी, मोनोपोली रखेंगी, या फिर लोगों को, किसानों को यहाँ पे राइट्स मिलेंगे उनके। तो बेसिकली ये मार्च किसानों के संघर्ष के लिए आवाज उठाने के लिए, जो किसानों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनकी आवाज जनता तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। यहां पर 29 नवंबर को यानी आज के दिन देश भर से लाखों किसान आएंगे। एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1 लाख के करीब किसान आएंगे और रामलीला मैदान में इकट्ठे होंगे और कल यानी 30 नवंबर को सारे किसान भाई हमारे पार्लियामेंट तक मार्च करके जाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों मुंबई में इसी साल मार्च के महीने में एक और बहुत बड़ी किसान की मार्च हुई थी। वो मार्च काफी सक्सेसफुल रही थी और उस मार्च की खास बात यह थी कि अर्बन मिडिल क्लास भी किसानों के सपोर्ट में आकर खड़ी हुई थी। बहुत से डॉक्टर्स, लॉयर्स और अलग अलग लोग मिडिल क्लास के किसानों को पानी दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे और उनके साथ मार्च करने भी लग रहे थे। तो इस दिल्ली चलो मूवमेंट के कोऑर्डिनेशन कमेटी होप करती है कि दिल्ली में भी ऐसा ही होगा और दिल्ली की मिडिल क्लास भी किसानों के सपोर्ट में आके खड़ी होगी यहां पर। इसी के चलते एक इनफॉर्मल फोरम क्रिएट किया गया है वॉलंटियर्स के लिए जिसका नाम है नेशन फॉर फार्मर्स, जिसके अंदर अब बहुत से ग्रुप्स बन गए जिससे लोग जुड़ते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फॉर फार्मर्स, लॉयर्स फॉर फार्मर्स, डॉक्टर्स फॉर फार्मर्स, टेकीज फॉर फार्मर्स, सारे लोग अलग अलग फील्ड से, अलग अलग प्रोफेशन से आके किसानों के लिए खड़े हो रहे हैं यहां पर। तो आपसे मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आप दिल्ली में हो आज या कल में, तो फिजिकली जाके इस मार्च को सपोर्ट कीजिए। रामलीला मैदान में जाइए, हमारे किसान भाइयों के साथ मार्च कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए, वीडियो बनाइए इनके साथ, अपने सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए, क्योंकि आपको तो पता है हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो टीवी मीडिया है वो ऐसी चीजों को कवर करने वाला है नहीं, वो अपने हिंदू मुस्लिम में बिजी बैठा है वहां पर। तो हम लोगों को यहाँ पे इनके बारे में आवाज उठानी पड़ेगी, इनकी आवाज जनता तक पहुंचानी पड़ेगी यहाँ पे। अगर आप फिजिकली नहीं जा सकते वहां पे तो आप ट्विटर पे ये हैशटैग किसान मुक्ति मार्च का यूज करके अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं। और दिल्ली चलो की वेबसाइट पे एक पेटिशन है, मैंने डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में उस पेटिशन का लिंक दिया है, उस पेटिशन को साइन कीजिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए।
क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, हमारा देश विकास नहीं कर सकता जब तक हमारा किसान विकास नहीं करेगा, और किसानों की अगर ये हालत रहेगी तो देश में और लोगों की भी हालत ज़्यादा अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि फूड बहुत ही एक बेसिक नेसेसिटी है यहाँ पर। इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।